हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट फोर यूनिट फोर दैट इज सोशल वर्क विद कम्युनिटीज एंड सोशल एक्शन सो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट फोर की थ्योरी जैसे कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका क्या कॉन्सेप्ट है वॉट इज़ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वाट इज़ द स्कोप एंड हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ये डेवलप हुआ डिफरेंट कंट्री में लाइक यू के इंडिया एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका क्या रोल होता है क्या फंक्शंस होते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या है सोशल कैपिटल क्या है ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सो लेट स्टार्ट बिफोर बिगिन दिस इज ऑल अबाउट मी और आप मुझे इस ई मेल पर मेल कर सकते हैं सोशल वर्क डॉट ई पोर्टल एट जी मेल डॉट कॉम फॉर एनी इक्वायरी एंड आल्सो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल स्वैप अंडर स्कूल एट सो आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी पेड ग्रुप से लेकर के कैसे आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है कितनी फीस है वो सभी चीज़ें आपको मैसेज में डिलीवर की जाएंगी सो लेट स्टार्ट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इसको हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक संगठन सो so, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि संस्थाएं जो कि किसी कम्युनिटी के लिए काम करती हैं कम्युनिटी की जो समस्याएं हैं जो प्रॉब्लम है या कम्युनिटी के जैसे कि सोशल जो हेल्थ है एजुकेशन है वेलवींगस के लिए काम करना डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए काम करना ये सभी संस्थाएं जो वर्क करती हैं कम्युनिटी के लिए उनको बोला जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सो ये जोग्राफिकली डिफरेंट प्लेसेस पर हो सकती हैं कल्चरली भी हो सकती है स्परिचुअली जैसे कि डिफरेंट टेम्पल के द्वारा चर्चेज़ के द्वारा वर्क किया जाता है कम्युनिटी के लिए समुदाय के लिए तो ये सभी संस्थाएँ होती हैं जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है चर्च है यूनियंस बनाई जाती हैं स्कूल कॉलेज हैं हेल्थ केयर एजेंसीज हैं ये सभी के सभी फंक्शन करती हैं लोगों के वेलफेयर के लिए लोगों की जो फंक्शनिंग है डफिशेंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए सो दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली एडवोकेसी ओरिएंटेड मतलब काउंसलिंग प्रोवाइड कराना है ये बेसिकली मेन पर्पज़ होता था इन सभी संस्थाओं का हेल्प करना लोगों की एंड दे अप्लाई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी टू देयर गोल और उनकी जो स्ट्रैटी होती है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके तरीके से उनके जो गोल होते हैं उनको अकम्पलिस किया जाता है मतलब जो डिफिशेंसी है सोसाइटी में कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओल्ड फिनमना मतलब जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो फिनोमेना है बहुत पुराना है कोई नई चीज़ नहीं है जब से कम्युनिटी बनी है जब से लोग एक ग्रुप रहना स्टार्ट किए हैं तब से ही ये संस्थाएं बनना शुरू हो गई थी स्टार्टिंग में ये ये जो काम थे ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हुआ करते थे जैसे कि चर्च है टेम्पल है या इन सभी के माध्यम से होता था इसके बाद फिर धीरे धीरे ये सभी के सभी एक, एक फॉर्मल रूप ले लिया है इनके द्वारा जो सरकार सरकार के द्वारा बनाई जा, जाती है और डिफरेंट संस्थाएँ जिनके माध्यम से लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है सो यहाँ पर डिफरेंट थिंकर के द्वारा इनकी डेफिनेशन दी गई है उसको देख लेते हैं सो यहाँ पर मैं बोलते हैं कम्युनिटी इज़ एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मतलब है कि जहाँ पर लोग रहते हैं एक समाज होता है तो वो एरिया होता है कम्युनिटी एंड मूव बाई डिग्री ऑफ सोशल कोहेंसन सोशल कोहेंशन का मतलब होता है एक रूप जहाँ पर लोग एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं उनके बीच में सोशल फैब्रिक होता है एक आपस में उनके बीच में एक बी फीलिंग होती है बी फीलिंग का मतलब होता है कि अपनेपन की भावना होती है वो एक कम्युनिटी बनती है उसको कम्युनिटी बोला जाता है एम एम जी रोज के द्वारा बोला गया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है वाई विच कम्युनिटी आइडेंटिफाई इट्स नीड और ऑब्जेक्टिव्स मतलब कम्युनिटी के जो भी नीड है उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड उसको प्योरिटी दी जाती है कि किसको पहले जो समस्या है जो प्रॉब्लम है जो नीड्स है उसको पूरा करना है उसके बाद फिर डिफरेंट जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है उनको डील करते हुए फिर लोगों के बीच में एक कॉपरेशन एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है और ये डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस होती हैं इनको पूरा किया जाता है किसके द्वारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया किसके द्वारा एम एम जी रॉस के द्वारा सो so यहाँ पर देखते हैं कुछ इनके फीचर क्या है कम्युनिटी के डिफरेंट फीचर होते हैं जैसे कि लोकेलिटी uh, एक जो कम्युनिटी होनी चाहिए मतलब वहाँ पर डिफरेंट एक डेफिनेट एरिया होता है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल साथ में मिलकर के एक कम्युनिटी बनाते हैं और एक डेफिनेट एरिया में रहते हैं उसको बोलते हैं लोकेलिटी दूसरा है कम्युनिटी सेंटीमेंट्स उनके में सेंटिमेंट होने चाहिए जैसे कि रेसियल सेंटीमेंट है एथनिक रिलीजन जैसे एक ग्रुप में जहाँ एक जैसे लोग रहते हैं उनका एक ही रिलीजन होता है एक ही एक ही टाइप का उनका एक एक ही रेस के वो लोग होते हैं एथनीसिटी सेम होती है उनकी तो ये भी एक वन ऑफ द फीचर है एक कम्युनिटी का एक संग समुदाय का परमानेंसी परमानेंसी की मतलब होता है परमानेंट लाइफ इज डेफिनेट प्लेस और नॉट ट्रांजिटरी लाइक ए क्राउड मतलब एक कम्युनिटी जो होगी वो ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर कम्युनिटी बनी है फिर उसको मूव करके और कहीं जाके रहने लगे तो वो कम्युनिटी नहीं कहलाएगी कम्युनिटी होती है जहाँ पर लोग परमानेंट रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर डेफिनेट प्लेस पर रहते हैं नेक्स्ट है लाइकनेस लाइकनेस का मतलब होता है एक जैसे कल्चर सेम होना चाहिए उनका कस्टम्स लैंग्वेज जैसी भी चीज़ें जो सेम होती है तब तो एक कम्युनिटी निर्धारित कम्युनिटी बनती है पर्टिकुलर नेम द कम्युनिटी शुड हैव सम कॉमन पर्टिकुलर नेम जैसे कि एक एक पर्टिकुलर समुदाय जो रहता है उनके एक जैसे नेम होते हैं नेम एक जैसे मतलब कि अगर किसी एक रिलीजन एक रिलीजन के लोग रहते हैं तो उनके डिफ जो सरनेम होंगे या जो उनके नाम होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं उनको आसानी से आप पहचाना जा सकता है कि, कि किस रिलीजन से हैं या किस रेस से हैं क्या इनकी एथेंटिटी है ये सभी चीज़ें देखी जा सकती हैं तो ये पर्टिकुलर ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं कम्युनिटी के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन बन जाता है कि कम्युनिटी के फीचर कौन से हैं वट्स द डिफरेंट फीचर ऑफ कम्युनिटी आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे एक दिया होगा लोकेलिटी परमानेंसी लाइकलीनेस पर्टिकुलर नेम आपको बताना होगा इसमें से ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है आप देखते हैं डायमेंशन ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सो जो इसका नेचर है इसका जो मेन फोकस होता है कम्युनिटी का कि जो समस्या है जो प्रॉब्लम है कम्युनिटी की उनको उनको डील किया जाए और डिफरेंट दिफ्र, स्ट्रेटजी के माध्यम से लोगों की जो फंक्शनिंग है कैपेबिलिटी है कैपेसिटी है उसको इनहेंस करना और उन डिफरेंट जो रिसोर्स होते हैं कम्युनिटी के उनका यूज करते हुए सोशल वेलफेयर पॉलिसी के माध्यम से उनकी जो एबिलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करना और उसको इम्प्रूव करना उनकी जो डिफिशेंसी होती है समाज में कम्युनिटी में लाइक फॉर द हेल्थ फॉर एजुकेशन फॉर वेल बीइंगस इन सभी को इम्प्रूव करना सो द एम्प्लॉय वेरियस टेक्निक्स टू अफेक्टिंग द इंटरपर्सनल आपसी दो लोग दो लोग जैसे इंटर इंटर ग्रुप ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं दो दो ग्रुप हैं दो से ज़्यादा ग्रुप हैं और या कम्युनिटी के जो मेंबर हैं सो डिफरेंट टेक्निक के माध्यम से उनको ठीक किया जाता है उनको उनमें इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है अब देखते हैं स्कूप ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब होता है कि जो संस्थाएं जो बनी हैं जैसे कि कॉलेज स्कूल्स जो रिलीजियस संस्थाएं चर्चेज हैं टेम्पल्स हैं ये सभी मोनिस्ट्री या फिर क्लब इनका ये कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉपरेटिव एजुकेशन शिक्षा के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए रोज़गार प्रोवाइड कराना हेल्थ एजुकेशन सर्विस कम्युनिकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना जैसे कि एन जो होते हैं या जो जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी और वेलफेयर एक्टिविटी के माध्यम से भी हेल्प की जाती है लोगों की तो ये सभी के सभी काम होते हैं इसके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के सो नाउ लेट अंडरस्टैंड दी हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्री में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई तो उसकी क्या हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करते हैं सो तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की उन्नीस सौ पैंतीस से लेकर उन्नीस सौ बावन के टाइम पर फ्रॉम नाइनटीन थर्टी सिक्स टू नाइनटीन फिफ्टी टू इस पीरियड में जो सोशल वर्क था वो इन्फेंसी स्टेज में था मतलब सोशल वर्क स्टार्ट ही हुआ था, था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था कम्युनिटी सेटिंग्स देयर इज द हार्डली एनी जॉब उस टाइम पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार की कोई जॉब नहीं हुआ करती थी कि खास करके जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्क होता है तो उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था फिर उन्नीस के आसपास कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन दी न्यू इरा कम्युनिटी वर्क इमर्ज उस टाइम पे कम्युनिटी वर्क एज इमर्ज होकर आया उसके बाद यहाँ पर मुखर्जी नाइन्टीन सिक्सटी वन बोलते हैं इनके द्वारा बोला गया कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है बेसिकली एक ऐसा मूवमेंट है डिजाइन किया गया है ताकि जो लिविंग कंडीशन है लोगों की पूरी कम्युनिटी की उसको इम्प्रूव किया जा सके एंड विद एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसमें कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन होगा इफ़ पॉसिबल विध दी इनिशियेटिव कम्युनिटी कम्युनिटी के ही इनिशियेटिव के माध्यम से उनके बेटर लिविंग को प्रमोट किया जाएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट के माध्यम से और कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा कैसे शिक्षा के माध्यम से और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जिसको अभी हम लोग ने पढ़ रहा है शिक्षा के माध्यम से कैसे होगा एज एक्सटेंशन एजुकेशन, एजुकेशन मतलब कि उनमें लोगों में नॉलेज स्किल्स को डेवलप करना है इंप्रूव करना ह्यूमन वेलबींग्स के लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना इन सभी के माध्यम से तो तीन लेवल पर होगा ये पहला विलेज पंचायत पर विलेज कॉपरेटिव और विलेज स्कूल सबसे पहले जो बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में उनको उनको पढ़ाया जाएगा उनको नॉलेज स्किल्स डेवलप की जाएंगी विलेज कऑपरेटिव लेवल पर होगा फिर विलेज पंचायत लेवल पर होगा इस प्रकार से कम्युनिटी जो सोशल डेवलपमेंट है उसका विकास होगा उसके बाद नाइनटीन सेवेंटी के दशक में द कम्युनिटी वर्क रिमेन इन दी रूरल एरियाज बेसिकली ये नाइनटीन सेवेंटी के टाइम पर भी ये बेसिकली रूरल एरिया में ही फेमस ज़्यादा था और उसके बाद 1970 के बाद यू कैन सी न्यू ट्रेंड्स इन कम्युनिटी वर्क प्रैक्टिस और जो कि एनजीओ या जो पोरट्री ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनके द्वारा ये कम्युनिटी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको अडॉप्ट कर लिया गया और एन के माध्यम से भी डिफरेंट कंपनी uh, के डिफरेंट जो संस्थाएँ होती हैं उनके माध्यम से सोशल वर्क करना स्टार्ट कर दिया गया सो so, उसके बाद फिर बाद में अगर आप प्रेजेंट टाइम की देखें तो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो सी एस आर एक्टिविटी सी एस आर क्या होता है कॉपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी कॉपरेट है बड़े बड़े कॉपोरेट जैसे कि टाटा रिलायंस बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी कोई ज़िम्मेदारी होती है सरकार ने उसको इसको बनाया है सी एस आर को इसके माध्यम से उनको अपनी जो जो कंपनी का जो भी रेवेन्यू होता है जो बेनिफिट्स होता है उसमें से कुछ परसेंट लगभग दो परसेंट कोई उनको ये जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना पड़ता है उनकी शिक्षा के लिए हेल्थ के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई करना और ये सभी के सभी वर्क उनके द्वारा किए जाते हैं अंडर द सी एस आर एक्टिविटी जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा स्कॉट रिलायंस जिस जो भी बड़ी कंपनियां हैं जो टैक्स के रूप में पे करती हैं और सी एस आर एक्टिविटी के लिए भी कुछ अमाउंट देती हैं अब देखते हैं यूके में कैसे ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस्टार्ट हुई सो अगर हम बात करें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की यूके में तो ये चार फेजेज में डिवाइड होता है पहला है ये कि जो कि समान किया गया किसके द्वारा वर्ल्ड लाइफ के द्वारा नाइनटीन सेवेंटी फोर में सो so, इनके द्वारा चार फेज बताए गए कि यूके में यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ इसका सो so, कॉपरेटिव so, uh, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का पहला फेज था उन्नीस अठारह सौ अस्सी से लेके उन्नीस सौ बीच के फ्रॉम एट्टीन एट्टी टू नाइनटीन ट्वेंटी इस दौरान कम्युनिटी वर्क वाज मेनली सीन एज अ मैथड ऑफ सोशल वर्क सोशल वर्क के मैथड के रूप में ही कम्युनिटी वर्क कहलाता था इस टाइम पे फर्स्ट फेज में उसके बाद सेकंड फेज में फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी टू नाइन फिफ्टी दिस बेसिकली पीरियड वॉज देंसी ऑफ द न्यू वे ऑफ डीलिंग विद सोशल इश्यू एंड प्रॉब्लम्स समाज के जो मुद्दे थे जो समस्याएं थी जो प्रॉब्लम थी जो इश्यू थे उनको एक नए तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया गया इस फेज में उसके बाद जो तीसरा फेज स्टार्ट हुआ उन्नीस सौ पचास के बाद वाला तो इसमें इसको आप देख सकते हैं इसमें पीरियड ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कि इसमें धीरे धीरे सोशल वर्क को एज ए प्रोफेशनल के रूप में देखा गया और प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुआ उसमें एंड दी इस इसमें जो सोशल वर्कर थे दे सॉर्टेड फॉर दी प्रोफेशनल आइडेंटिटी जैसे कि पहले जो वर्क किया जाता था डिफरेंट जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हुआ थी, हुआ करती थी उनके द्वारा वॉलन्ट्री वर्क किया जाता था बट धीरे धीरे इस थर्ड फेज में ये स्टार्ट हुआ कि जो सोशल वर्कर थे जो काम करते थे उन्होंने स्टार्ट किया कि हमको जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी चाहिए उसके बाद फोर्थ फेज जो आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में जो फेज़ है रिसेंट टाइम में रिसेंट जो पीरियड चल रहा है फोर्थ फेज है इसमें जो कम्युनिटी और उसके डिफरेंट सोशल मूवमेंट के माध्यम से रेडिकल सोशल मूवमेंट यानी यू कैन सी दिस कन्फ्लिक्ट कम्युनिटी विद द अथॉरिटी सरकार सरकार से कम्यूटी का जो कन्फ्लिक्ट होता है जो थर्ट जो कन्फ्लिक्ट होता है डिफरेंट एक्शन के माध्यम से सोशल एक्शन के माध्यम से भी ये वर्क किया जाता है तो ये फोर्थ फेज है जो कि प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं डिफरेंट कम्यूटी एक्शन के माध्यम से इसमें वर्क किया जाता है अब देखते हैं यूएसए में कैसे ये डेवलप हुआ सो so, सबसे पहले तो आप बात करेंगे यूके में बेसिकली यूएसए में यूके के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी इनके द्वारा डिफरेंट लॉ बनाए गए थे उन्हीं को बेसिकली अडॉप्ट किया गया था और बाद में फिर इन्होंने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें नई नई चीज़ें डेवलप की देख सकते हैं जैसे एलिजेथन पुअर लॉ उन्नीस सौ में आया जो सिक्सटीन में इंग्लैंड में जो कि दैट प्रोवाइड सेट अप टू द प्रोवाइड सर्विस टू द नीडी जो नीडी लोग हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कराना इसका जो मैन अफर्ट था इस फर्स्ट लॉ का सो so, उसके बाद फिर आप अनदर इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ़ द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज उसके बाद अगर दूसरी बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क की तो वो था फॉर्मेशन ऑफ लंडन सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ इनके माध्यम से चैरिटेबल रिलीफ प्रोवाइड किया जाता था जो समाज के जो प्रेस पर्सन थे जो प्रेस कम्युनिटी थी उनको एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्नीस सौ अस्सी के दौरान सेटलमेंट हाउस मूवमेंट चलाया गया इंग्लैंड में ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया इसकी डेट पूछी जाती है सो एलिजथन पुअर लॉ की डेट याद रखना इसको आप मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जाएगा और सेटलमेंट हाउस की अठारह सौ में ये इंग्लैंड में कब हुआ और यू में कब दोनों की डेट अलग अलग होती है जो आप देख लीजिएगा एंड द मूवमेंट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन यही जो मूवमेंट चलाए गए थे यूके में इन्हीं का काफ़ी मेजर वो रहा इम्पैक्ट रहा है यू एस की डिफरेंट मूवमेंट में देखते हैं कौन कौन से थे जैसे कि यू में उन्नीस सौ के दशक में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया और इन द एरिया ऑफ चैरिटी एंड रिलीफ द मेजर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इन द यू एस एट क्लासीफाइड इंटू थ्री कैटेगरी अगर आप देखें जो मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी थी वो कौन कौन सी है पहली थी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पीरियड जो कि अठारह सत्तर से लेकर उन्नीस सौ सत्रह तक चला इस एर इस एरिया में बिगनिंग ऑफ सोशल वेलफेयर इन दू एस ए यू एस ए में सोशल वेलफेयर स्टार्ट हुआ द फर्स्ट सिटी वाइड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सी यू एस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको भी याद रखना है आपको जो बफलो यू एस जो वफेल है वहाँ पर बफलो प्रांत में अठारह में इसको स्टार्ट किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है कहाँ पर यू में कहाँ पर स्टार्ट किया गया था और किस ईयर में इसको आपको याद करना जितना भी रेड मार्क्स किया गया है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद फिर 1873 सेवेंटी थ्री बिलिटरश उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो सीएस संस्थाएं थी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ये नियर अबाउट 25 और बनाई गई अमेरिका डिफरेंट सिटी में एंड दी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्री इमर्ज देश द इमर्ज मैनी सच इसके अलावा डिफरेंट टाइप की इसी टाइप की ओरिएंटेड जो संस्थाएं बनाई गई जैसे कि सोशल सर्विस एक्सचेंज कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल काउंसिल ऑफ़ द सोशल एजेंसी ये सभी की सभी संस्थाएं बनाई गई थी इसी के तर्ज पर जैसे कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं थी उसके बाद राइज ऑफ़ द फेडरेशन उन्नीस से लेकर उन्नीस के दौरान एंड दी इनके माध्यम से यू कैन सी द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ चेस्ट एंड द काउंसिल्स इट स्टार्ट फेडर मतलब डिफरेंट सरकारों के द्वारा डिफरेंट काउंसिल बनाए गए उनके द्वारा डिफरेंट ये, ये संस्थाएं बनाई गई उनके माध्यम से चैरिटी की गई जो हेल्प की गई लोगों की मदद की गई वेलफेयर के लिए काम किया गया तो ये सभी देख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाए गए डिफरेंट और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स उन्नीस सौ पैंतीस में डेवलप किया गया और अमेरिकन सोसा एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बास ऑर्गेनाइज इन नाइनटीन एटीन एज अ नेशनल एजेंसी फॉर चेस्ट एंड द काउंसिल इसको ट्रिपल सी बाद में नाम चेंज करके बदल गया ना ट्रिपल सी मतलब होता है कम्युनिटी चेस्ट काउंसिल फॉर अमेरिका ट्रिपल सी एंड द चिनाती पब्लिक हेल्थ फेडरेशन जो कि 1917 में इस्टेबलिश की गई ये बेसिकली आपको जो याद करने की चीज इसमें ये है कि जो सी एस संस्थाएं कब बनाई गई यू के में और यूएसए में ओके okay. और इसमें आप देख सकते हैं सेटलमेंट हाउस मूवमेंट कब चलाया गया इंग्लैंड में यूएसए में ये आपको याद करना है एलिज मंथन पुअर लोक कब आया था ये आपको याद करना है ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हमें बताया बता दिया अब देखते हैं कि डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से समस्या को सॉल्व किया जाता है उन सभी को देखते हैं सो so, पहला है दैट इज़ द लिस्ट ऑफ़ प्रॉब्लम कितनी समस्याएं हैं क्या क्या प्रॉब्लम है उनको अंडरस्टैंड करना उनकी लिस्ट बनाना प्रॉपर तरीके से क्या सिचुएसन्स हैं नेक्स्ट है गिव प्योरिटीज़ फिर जो भी समस्याएं हैं कम्युनिटी की कौन सी समस्या को कौन सी प्रॉब्लम को पहले देखना है उसकी सेबरिटी लेवल क्या है उसके सिम्टम्स क्या है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है उन सभी चीज़ों को देखना उसका कॉज कितना है सोसाइटी पर कम्युनिटी पर इन सभी को देखते हुए प्रॉब्लम को उसकी ज़रूरतें क्या है नीड क्या है प्योरिटी के आधार पर फिर उनको प्योरिटी देना समस्याओं को सिलेक्ट द प्रॉब्लम उसके बाद एक बार प्योरिटी लिस्ट बना ली जाती है देन उसके बाद अर्जेंट बेसिस पर जो प्रॉब्लम है उसकी इमीडिएट सोल्यूशन के लिए फर्दर एक्शन करने के लिए जो प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया जाता है बेसिकली अगर यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कोई फंक्शनिंग किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है जैसे कोई बीमारी या कोई ऐसी पेंडामिक जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कोरोना चल रहा है तो अभी ये जो प्योरिटी पे है ये जो प्रॉब्लम है जैसे ही और समाज के हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं उनमें से कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्योरिटी पे होती है उनको पहले सॉल्व करना है तो उसी को आप एग्जाम्पल लेके हुए इन सभी को स्टेप्स को आप देख सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं सो so, अभी सिलेक्ट द प्रॉब्लम ओके नेक्स्ट है रिडिफाइन the प्रॉब्लम The सेलेक्टेड प्रॉब्लम इज़ रिडिफाइन फॉर the बेटर अंडरस्टैंडिंग कि बेसिकली जो समस्या है जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए क्योंकि जो प्रॉब्लम होगी उस पर डिफरेंट प्रोग्राम्स और प्लानिंग की जाएगी तो पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझना जरूरी होता है उसको रिडिफाइन करना होता है ताकि बैटर प्लानिंग डेवलप हो सके द प्रॉब हैज़ टू बी एनालाइज एंड डिफाइन बेटर टेकिंग एन फर्दर स्टेप फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम दैन द फॉर्मुलेट अचीवल ऑब्जेक्टिव जैसे कि हम रिसर्च करते हैं तो पहले एक रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है और आपको उस पर ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं कि किस प्रकार से आप समझ समझिए जो रिसर्च है करने वाले उसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि कैसे आप उसको अचीव करने वाले हैं सो फॉर्मेशन अचीवेबल ऑब्जेक्टिव उस पर आप एक्शन लेंगे वर्क आउट दी अल्टरनेटिवस सो कमी हैज़ टू बी जनरेट मैक्सिमम ऑफ द अल्टरनेटिव टू एड्रेस द प्रॉब्लम डिफरेंट अल्टरनेटिव के माध्यम से जो समस्या है उसको सॉल्व किया जाता है सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव उसमें से जो बेस्ट होगा जिससे जो सब प्रॉब्लम है जो जल्द ही ठीक हो सकती है या सही तरीके से सही मेथड के माध्यम से प्रॉब्लम को ईजीली सॉल्व किया जा सकता है सो so, उसको चूज किया जाएगा वर्कआउट द प्लान ऑफ एक्शन उसके बाद फिर जब एक बार अल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट कर लिया कैसे आपको उसको प्रपोज करना है प्लान ऑफ एक्शन को इन विच द रिस्पांसिबिलिटी आर एस एन जो भी जिम्मेदारियाँ हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट स्टेज में क्या क्या रिसोसेज की ज़रूरत है क्या क्या पर्सनल इन्वॉलमेंट की जरूरत होती है फ्रेम्स जो भी ज़रूरत है उसमें मटेरियल्स रिसोसेज मनी इन सभी को प्रॉपर तरीके से प्रपोज करना मोबालाइजिंग द रिसोर्स जैसे कि मैंने बताया कि टाइम मटेरियल्स मनी मैन पावर इन सभी रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से अस, असेस करना आइडेंटिफाई करना मोबालाइज करना ताकि ये जो जो प्रॉब्लम है उसको जो एक्शन जो एक्शन है उसको पूरा किया जा सके सो नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऑफ एक्शन प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट कर देना एंड दी इम्प्लीमेंटेशन टेक केयर ऑफ टाइम द रिसोर्स टू वार्ड द फुल फिक्सड गोल जो भी गोल है उनको अचीव करने के लिए अगर सही तरीके से प्लान ऑफ एक्शन किया जाएगा तो उससे टाइम बचता है मनी बचती है रिसोर्स बच जाते हैं एवेलुएसन द एक्शन जो भी आपने एक्शन लिया है उसको क्या उसमें डेविएशन आए हैं क्या उसका सक्सेस रेट है उन सभी को एनालाइज करना उसको एवेलुएट करना और जो भी उसमें शॉर्टफॉल है उसको करेक्ट करना जो भी अंडेजायर रिजल्ट आ गया है उसको आइडेंटिफाई करना Then, उसके बाद मॉडिफिकेशन अब जो भी समस्याएं जो शॉर्टफॉल हुई है उसमें जो ड्यूबेशन आया है उसको ठीक करना उसको मॉडिफाई करना इन ऑर्डर टू ब्रिंग दर्मानेंट सोल्यूशन नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन मॉडिफा मॉडिफाइड एक्शन प्लान इज इम्प्लीमेंटेड एंड कंटिन्यू उसके बाद जो भी आपने जो जो शॉर्टफॉल हुए थे जो प्रॉब्लम आई थी उनको ठीक करके आप उसको दोबारा पर कंटिन्यू करेंगे दैन दिस लाइक द नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जो नीड जो जरूरत है उसको फुलफिल कर दिया जाता है दैन जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जैसे कि पेयोरिटी के आधार पर जो प्रॉब्लम को असाइन किया गया था तब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखा जाएगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा सॉल्व करने के लिए तो ये ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देख लिए होंगे अब आप आपको याद कैसे करना है तो आपको जस्ट एक बार पढ़ लीजिए एटलीस्ट ये जो लिस्ट है इसको आप पढ़ लीजिए आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है एक बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है पहले प्रॉब्लम की लिस्ट बनाना क्या प्रॉब्लम है कौन सी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है उसके बाद उसको सेलेक्ट करना उसको डिफ़ाइन करना क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे जो जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या क्या क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो होते हैं इन सभी को देखना प्लान ऑफ प्लान ऑफ एक्शन और जो रिसोर्सेज हैं टाइम मनी मैन पावर इनको इनको उनको असाइन कर देना और एवेल्यूशन करना मॉडिफिकेशन करना कुछ बदलाव करना है तो उसमें भी उसके बाद फिर टर्मिनेशन लास्ट आ जाता है तो ये सिंपल है इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं एक बार पढ़ लीजिए बस सो नाओ लाइट अंडरस्टैंड दी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैथड ऑफ सोशल वर्क सो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में एक प्राइमरी मैथड है सोशल वर्क का जिसके माध्यम से जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम है समस्या है उनको ठीक किया जाता है सो एज अ मैथड सोशल वर्क कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मैनी पीपल इन अ कम्युनिटी थ्रो इट्स कलेक्टिव इन्वॉलमेंट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एफिशियट होता है कि लार्ज लेवल पर जो समस्याएं होती है जो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है उसको सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का ही यूज़ किया जाता है सो इसमें द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड अदर मैथड्स ऑन सोशल वर्क लाइक ग्रुप वर्क द केस वर्क द फॉलोइंग डिफरेंट मैथड ऑफ सोशल वर्क एज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अभी हम देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट जो मैथड्स होते हैं सोशल वर्क एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में देखो सो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज ए माइक्रो लेवल माइक्रो का मतलब क्या होता है एक होता है माइक्रो ओके okay, ये स्मॉल लेवल पर होता है इसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है एक मैक्रो लेवल मतलब जहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा लोगों की समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं सो टर्म मैक्रो इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ़ द पीपल इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए सॉल्व करने के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सके जो एबिलिटी होती है किसमें होती है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में so, इसलिए इसको मैक्रो मेथड बोल सकते हैं जैसे कि कम्युनिटी में कम्युनिटी ऑर्गेजन कैन हेल्प इन द पोल्यूशन कंट्रोल एक लोकल लेवल पर ये कम्युनिटी ऑर्गेशन का यूज किया जा सकता है या स्टेट लेवल पर भी रीजनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर ये से जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके द्वारा ये जो मैक्रो मेथड यूज किया जा सकता है सो so, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे कि केस वर्क में क्या होता है केस वर्क बेसिकली डील करता है ओनली वन पर्सन एट अ टाइम ओके एंड ग्रुप वर्क बेसिकली बीच डील विदर लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा लोग ज़्यादा पार्टिस ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं बट इसमें इसकी एक लिमिट होती है बट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डील विद द लार्ज नंबर ऑफ़ द पीपल एट एनी गिवन टाइम एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा होता है कोई बड़ी समस्या है तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जैसे कि देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया है पॉवर्टी कैन नॉट बी सॉल्व बाई यूजिंग इंडिविजुअल अप्रोच लाइक केस वर्क क्योंकि पॉवर्टी जो है किसी एक कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है ना एक लार्ज स्केल पर होता है तो वहाँ पर डिफरेंट मैथड का यूज किया जाता है सो so, जो मैथड है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इज हाई देन द इंडिविजुअल अप्रोच इज नॉट द प्रैक्टिकल वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम तो जो इंडिविजुअल अप्रोच होती है उसके माध्यम से आप जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जो बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मैथ इसका यूज किया जाता है दूसरा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड सो इट सॉल्व द कम्युनिटी प्रॉब्लम एंड फुलफिल द नीड ऑफ कम्युनिटी जैसे कि सोशल इनजस्टिस पॉवर्टी इन एडुकेट हाउसिंग पुअर न्यूट्रिशन लैक ऑफ हेल्थ लैक ऑफ मेडिकल सर्विसेज बेरोजगारी पोल्यूशन एक्सप्लाटेशन ये सभी बाउंड लेबर सिस्टम ये सभी की सभी समस्याएं जो होती हैं इसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कारगर साबित होती है और ये बड़ी समस्याएँ प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व किया जाता है जैसे कि अगर बात करें इसमें जो तीन बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टडी करना उसको सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको स्टडी करना उसके उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना और उसके बाद डायग्नोसिस डायग्नोसिस का मतलब होता है कि एक बार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई तो आपको वी हैव टू आइडेंटिफाई द मेन कॉज उसका कारण क्या है क्या रीज़न है कि जो समस्या है उसके बाद ट्रीटमेंट सो बेस्ड ऑन दी फाइंडिंग्स जो भी आपने फाइंडिंग निकाली है डायग्नोसिस किया है उसके माध्यम से आप सोल्यूशन तक पहुँच सकते हैं सो so, इस मॉडल को मेडिकल मॉडल भी बोला जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है स्टडी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सो इसको मेडिकल मॉडल बोलते हैं किसको प्रॉब्लम सॉलू मॉडल को ठीक है और इसको आपको याद करना है क्योंकि ये जो तीन स्टेप हैं एग्जाम में पूछ ले जाते हैं अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत डिफरेंट सिद्धांत जो यूज किए जाते हैं उनको देखते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सो so, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है इसको हम समझा देते हैं कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली उसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि जो लोगों की समस्याएं हैं जो प्रॉब्लम है जैसे कि नाम अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी पॉवर्टी ये सभी जो भी समस्याएं होती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है तो ऑफकोर्स उसके जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत होंगे उसी के अकॉर्डिंग होंगे जैसे डिग्निटी फ्रीडम सिक्योरिटी पार्टिसिपेशन बेटरमेंट ऑफ द मार्जनाइज सेक्शन ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी कॉप्रेशन तो अब इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है आप याद कर भी नहीं सकते आपको जस्ट अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से प्रिंसिपल हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दुरहान ने दिए अट्ठाईस प्रिंसिपल दिए तो अट्ठाइस तो याद नहीं कर पाएंगे आपको जस्ट एक बार देख लेना है डेमोक्रेसी कॉप्रेशन प्रिवेंशन कम्युनिटी रूट्स सिटीजन अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल सर्विस वेलफेयर प्रोग्राम्स एडुकेसी डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज ये सभी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए बस बट इसके बाद आगे जो है सिद्दगी के द्वारा दिए गए थे आठ प्रिंसिपल इनको आपको याद कर लेना है क्योंकि ये आठ ही इनमें से अगर चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको फर, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं so, सो देख लीजिए पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन जहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है प्लानिंग देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है पहले तो ये तो आप देख सकते हैं एक बार प्लानिंग पीपल पार्टिसिपेशन इंटर ग्रुप अप्रोच डेमोक्रेसी फंक्शनिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्टिम यूटिलाइजेशन इंडिजिनस रिसोर्स जो भी आपके वहाँ के लोकल के रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज करना कैसे करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कल्चर ऑरिएटेशन तो ये जो आठ है इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा याद कर लीजिएगा ये जो कि दिए गए थी सिद्दकी के द्वारा अब देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड क्या होता है कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम में कई बार पूछा गया है रिकॉर्ड से लेकर के क्वेश्चन सो रिकॉर्ड इज द डॉक्यूमेंट और अदर ऑडिटरी और विजुअल प्रोडक्ट बेसिकली रिकॉर्ड कुछ भी हो सकता है ऐसा नहीं है कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड होगा या कुछ रिकॉर्डिंग्स जो रिकॉर्ड होती है इसका जो प्राइमरी जो वर्किंग टूल होता है बेसिकली और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का जो कि इसके द्वारा यूज़ किया जाता है सो रिकॉर्ड मे बी नॉट ओनली द टेक्चुअल डॉक्यूमेंट बट इट मे बी अ चार्ट ग्राफ मैप ब्लू प्रिंट्स फोटोग्राफ्स माइक्रो फिल्म कार्ड ये सभी चीज़ें हो सकती हैं रिकॉर्ड के रूप में सो द इट परफॉर्म फॉर्मिंग फ्स रिकॉर्ड के द्वारा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं जैसे इट डिफाइन सम पर्सन ग्रुप्स और थिंग्स किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए किसी ग्रुप को किसी पर्सन को इट कंटेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन एनालिसिस डेटा इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन ओपिनियन जैसे किसी के द्वारा किसी इंटरव्यू लिया गया तो उसके क्या ओपिनियन है वो सभी चीज़ें सजेशन रिकमेंडेशन वो सभी चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड्स में इन साइट फोर्थ प्लान्स फॉर द फ्यूचर आगे की क्या प्लानिंग है उसके बारे में भी रिकॉर्ड्स में कंटेंट रहता है इन्फॉर्मेशन रहती है एंड टू गिव एन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट इज हैपन कोई चीज घटना घट गट चुकी है हिस्ट्री के बारे में इस इसमें रहता है इट इज़ अ सब्सिट्यूट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द मेमोरी फॉर द आइडेंटिफिकेशन किसी चीज़ के बारे में जानना है खोजना है कोई चीज़ तो उसको उसके उसके रूप में भी इसको यूज किया जाता है आप देखते हैं इसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं सो रिकॉर्ड्स आर यूज इन एवरी ऑर्गेनाइज ह्यूमन रिलेशनशिप सभी के द्वारा यूज किए जाते हैं जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा या कोई बिजनेसेस है कोई इंडस्ट्री है कोई रिलीजन है एजुकेशन संस्थान सोशल वेलफेयर इन सभी में रिकॉर्ड्स यूज किए है जाते हैं सो दे आर टू बी डिस्टिंग्विस्ड फ्राम एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे कि मेल वगैरह हुआ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इन सभी चीज ये रिकॉर्ड होती है अलग होते हैं सो दे आर द स्पेसलाइज रिकॉर्ड रिलेटेड टू प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोजेक्ट आर डिफरेंट अब देखते हैं कितने टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं सो so, बेसिकली तीन टाइप के रिकॉर्ड होते हैं पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स सेकेंड है ऑपरेटिंग और टीचिंग रिकॉर्ड्स एंड थर्ड है प्रोसेस रिकॉर्ड्स देखते हैं कि करके पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स सो दीज इंक्लूड ऑफिशियल मैनुअल्स ऑर्गेनाइजेशन हैंड बुक्स स्क्रैप बुक्स न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ये सभी चीज़ें फाइल्स हुआ मटेरियल uh, एजेंसी के जो जियोग्राफिकल एंटिटीज़ हैं प्रॉब्लम्स ये सभी चीज़ें इसमें कंटेंट रहती हैं जैसे कि इंडेक्सिंग है रिसोर्स फाइल रिसोर्स मैपिंग या ऑर्गेनाइजेशन के जो चार्ट्स होते हैं ये सभी रहते हैं इस रिकॉर्ड में इसको बोलते हैं एडमिशन रिकॉर्ड्स दूसरा है ऑपरेटिंग और टीचिंग रिकॉर्ड्स ये टीचिंग रिकॉर्ड का मतलब होता है ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि सर्व करते हैं एज ए टीचिंग मटेरियल फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन जैसे किसी संस्थान के द्वारा कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उसमें कैसे क्या चीज़ को कैसे करना है कोई अगर पास पहले से रिकॉर्ड होगा तो उसको आप देख सकते हैं उसको एज यूज कर सकते हैं मटेरियल के रूप में टीचिंग मटेरियल के रूप में कैसे ऑपरेशन करना है कैसे कोई चीज़ सर्विस को फैसिलिटेट करना है इन सभी के रूप में ये टीचिंग रिकॉर्ड यूज किया जाते हैं इसलिए इसको बोला जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन केस रिपोर्ट्स क्योंकि किसी भी संस्था के द्वारा डिफरेंट वर्क किया जाता है प्रीवियस पास्ट में तो उनके क्या क्या केसेस रहे हैं कैसे आप उसे सीख सकते हैं क्या टीचिंग मटेरियल के रूप में उसको ले सकते हैं ऑपरेशन में सर्विस प्रोवाइड करने में नेक्स्ट है प्रोसेस रिकॉर्ड सो द यूजुअल डायरी और केस हिस्ट्री रिकॉर्ड्स इज नरेटिव रिकॉर्ड्स एंड द मेजर इम्फेसिस ऑन दी मतलब जो प्रोसेस इसलिए रिकॉर्ड इसलिए वो बताया कि बेसिकली कोई चीज घटना घटी है तो उसका क्या रीजन है व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस एंड वो सभी चीज़ देखने के लिए ये रिकॉर्ड यूज होते हैं प्रोसेस रिकॉर्ड इसको हिस्ट्री रिकॉर्ड बोला जाता है सो द प्रोसेस रिकॉर्ड अटैम्प्टू इनकॉबरेट द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन टू द रिकॉर्ड दैट इज नॉट ओनली टेल व्हाट वट मतलब जो रिकॉर्ड है ये जो प्रोसेस रिकॉर्ड है ये केवल ये नहीं बताते हैं कि बेसिकली क्या हुआ है व्हाट एपन बट आल्सो इट ले लेम्फेसिस ऑन द हाउ एंड हु वेरिज थिंग्स हैपन कोई चीज घटना घटी है तो क्यों घटी है इसका क्या रीज़न है हाउ एंड हु रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कोई भी जैसे हो तो उन सभी के लिए इसको प्रोसेस रिकॉर्ड बोला जाता है एंड हाउ वर्कर मेड यूज ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कैसे वर्कर के द्वारा ये जो प्रोसेस है उसको पूरा किया गया ये सभी चीज़ें इसमें रहती हैं तो ये पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड बेसिकली होता है हिस्ट्री रिकॉर्ड्स नरेटिव रिकॉर्ड्स जो नेरेशन जो दिए जाते हैं या कोई चीज़ पहले से कोई चीज घटना घट गट चुकी है उसके बारे में पता है कुछ कैसे घटना घटी थी या फिर कोई चीज़ कैसे हो रही है उसके पीछे रीजन क्या है ये सभी चीज़ें होती है प्रोसेस रिकॉर्ड पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें एक एक चीज इन्वॉल्व होती है सो नाउ लेट अंडरस्टैंड एन जी ओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सो देखते हैं इनके बारे में सो लॉर्ड बेवरेज के द्वारा एन जी ओ को डिफाइन किया गया एज ए वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन बीच वेदर इट्स वर्कर आर पेड और अनपेड इज़ इनिशियट इनिशियट एंड दी गवर्न बाई दी वर्क मेंबर विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब एन जी ओ पर किसी का बाहरी कंट्रोल नहीं होता है उसके जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा ही गवर्न किया जाता है इस संस्थान को और इसमें जो मेंबर होंगे ज़रूरी नहीं कि वो पेड ही हों पेड भी हो सकते हैं और अनपेड भी हो सकते हैं और कोई ऐज ए वॉलेंट्री भी ज्वाइन करता है एन जी ओज को तो इसको एन जी ओ बोला जाता है एक ऐसी वॉल्ट्री संस्थान जहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं वो पेड भी हो सकते हैं दैट कैन बी ए पेड और अनपेड एंड द बिच इज गवन बाई दी वन मैंम्बर नॉट कंट्रोल बाई द एक्सटर्नल इसको एन जी ओ बोला जाता है देखते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एन जी ओ की इट वर्क ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल इस पर बाहरी कंट्रोल नहीं होता है इसके खुद की डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर आधारित होता है एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ये प्राइवेट संस्थान होते हैं सभी फॉर द पब्लिक बेनिफिट्स लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं एन जी ओज नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड नॉट नहीं होगा गया मिस्टेक हो गया एन को रजिस्टर कराना पड़ता है ऐसा नहीं है फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ये सभी के सभी फॉर्मल संस्थान होते हैं सेल्फ गवर्निंग मतलब होता है कि इनका कंट्रोल भी इनके मेंबर के हाथ में होता है खुद ही गवर्न करते हैं अपने एन को अपने संस्थान को नॉट फॉर प्रॉफिट बेनिफिट के लिए प्रॉफिट के लिए अपने फायदे के लिए नहीं बनाए जाते एन इसको नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट बोला जाता है वॉल्ट्री होते हैं इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है वॉल्ट्री रूप में और उस पर सर्व कर सकता है और इनको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एन जी ओ हैज़ रजिस्टर्ड अंडर दीज एक्ट लाइक फर्स्ट इज सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एटीन सिक्सटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट एटीन एटी टू एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नाइन्टी ज़ीरो फोर ये तीनों को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सेक्शन ट्वेंटी फाइव बी इसी का है इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एस सी एस ओ और सेक्शन ट्वेंटी फाइव कंपनी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर किस प्रकार का एक्ट जो एन जी ओ है उसकी किस प्रकार की एक्टिविटी है उस पर उसके नेचर पर उसका स्कोप इस्कोपे डिपेंड करता है कि आप किस एक्ट के अंतर्गत आपका एन जी ओ है जो रजिस्टर होगा अब देखते हैं यहाँ पर रोल क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके ह्यूमिनिटेरियन वर्क काम करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शिक्षा के लिए पब्लिक हेल्थ के लिए एजुकेशन इन्वायरमेंट सोशल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर लिटरेसी रेट लिटरेसी को बढ़ाने के लिए एजुकेशन देने के लिए एंटी करप्शन एक्टिविटी एंड दी माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए भी काम करता है लोगों के लिए छो जो, जो गरीब लोग होते हैं उनको जो फाइनेंस प्रोवाइड कराना ताकि वो खुद ही अपना कुछ वर्क कर सकें तो स्मॉल अमाउंट देना उनको माइक्रो फाइनेंसिंग डिजास्टर रिलीफ के लिए कोई कैलेबिटी घटना घट जाती है तो वहाँ पर डिजास्टर रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाता है एन के द्वारा वो वार रिलीफ कंफ्लिक्ट में रेजोल्यूशन एंड रिहेबिलटेशन प्रोग्राम चलाना ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करना पीस के लिए कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं के लिए बच्चों के लिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए काम करना कंजर्वेशन लैंड राइट्स के लिए और इंफॉर्मेशन फ्रीडम ये सभी की सभी चीज़ें दैट इज कम अंडर द एन जी ओज वर्क और यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट तरीके से समझने के लिए इसका जो फंक्शन होता है बेसिकली जो प्रोटेक्शन प्रिवेंशन प्रमोशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ डिजास्टर और असिस्टिंग द पुअर लोगों की मदद करना जो जो ये विक्टम्स हैं किसी डिज़ास्टर को उसको रिलीफ really प्रोवाइड कराना फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी एक पर्सन को फिस देना दूसरा है प्रिवेंशन अब उसको बताना कि कैसे जो फीस है उसको पकड़ते हैं टीच अ मैन टू फीस सो रिड्यूजिंग पीपल वर्नेबिलिटी उनकी वर्नेबिलिटी को कम करना थ्रू दी इनकम डाइवर्सिफिकेशन एंड सेविंग्स सो बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं टीच अ मैन टू फीस कैसे वो फीस पकड़ सकता है एंड ऑर्गेनाइज फिशर मैन फिशरमैन को ऑर्गेनाइज करना ताकि वो खुद ही जो जो खुद ही काम स्टार्ट कर पाएँ और खुद ही अपनी समस्याएँ हैं वो सॉल्व कर कर पाएँ और जो अपॉर्चुनिटी है वो खुद ही डेवलप कर पाएँ प्रमोशन इंक्रीजिंग पीपल्स चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफार्मे मतलब होता है कि बदलना प्रोटेक्ट फार्म फिशिंग एंड जो फिशिंग राइट्स हैं उनको उनके लिए काम करना ये बेसिकली कर वर्क जो हो रहा है किसका एन जी को हो, हो रहा है ठीक है किस प्रकार से वर्क करती है बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी काम करना होता है प्रमोशन के लिए भी प्रिवेंशन के लिए भी और प्रोटेक्शन के भी ये सभी के सभी वर्क होते हैं एन के सो नाओ लेट अंडरस्टैंड द मॉडल ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन स्वादायिक संगठन के मॉडल कौन कौन से उसको अंडरस्टैंड करते हैं सो बेसिकली दिस इज द मीडियम थ्रो विच अ पर्सन लुक एट दी कॉम्प्लेक्स रियलिटी जो जटिल वास्तविकताएँ होती है उनको व्यक्तियों के द्वारा देखा जाता है वही मॉडल होते हैं मॉडल का मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसको एज ए रेफरेंस मानना ठीक है एंड देट डिस्क्राइब स्ट्रेटजी फॉर अ कंप्लेक्सिंग द विजन कोई विजन है कोई किसी चीज़ को पूरा करना है तो उसके लिए एज ए स्ट्रैटी के रूप में उसको लिया जा सकता है तो यहाँ पर रोथमैन के द्वारा दिए गए तीन मॉडल सी ओ सी ओ के तीन मॉडल दिए गए पहला लोकैलिटी डेवलपमेंट मॉडल दूसरा सोशल प्लानिंग मॉडल तीसरा सोशल एक्शन मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको आपको अच्छे से याद करना है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं सो इसको लोकैलिटी डेवलपमेंट मॉडल को हिंदी बोला जाता है स्थानीय विकास मॉडल इसको बोला जाता है सोशल प्लानिंग मॉडल को और सोशल एक्शन को सोशल एक्शन मॉडल बोला जाता है इसको आप देख लीजिए देख देखते हैं। पहला देखिए लोकालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल सो so, लोकल्टी का मतलब क्या होता है एक टाउन एक जगह है कोई एक नेबरहुड एक हाउसिंग प्रोजेक्ट या कि रूरल एरिया बेसिकली बोल सकते हैं लोकैलिटी डेवलपमेंट लुक एट लुक ऑन द प्लेस एज अ कम्युनिटी कम्युनिटी के रूप में इसको लिया जा सकता है सो so, इसका जो गोल क्या होता है गोल कैटेगरी ये सेल्फ हेल्प करने के लिए लोगों की मदद करने के लिए कम्युनिटी इंटीग्रेशन करने के लिए एक सामुदायिक एकीकरण करने के लिए इसको यूज किया जाता है और कम्युनिटी कैपेसिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम कोई समस्या है उसका समाधान करने के लिए सामुदायिक सामुदायिक क्षमता बढ़ाना कम्युनिटी में कैपेसिटी को डेवलप करना ये गोल होता है एजम्सन क्या क्या है एजमसन का मतलब होता है मानता है पहले से जो मान लिया जाता है जैसे कि कम्युनिटी लैक बाइबल रिलेशनशिप मतलब उनके समुदाय में एक व्यवहारिक संबंधों की कमी है इसी वजह से ये जो गोल सेट किए गए या फिर लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी या उनमें समस्या को निवारण करने की क्षमता का अभाव है या फिर ट्रेडिशंस स्टैटिक कम्युनिटी मतलब जो पारंपरिक समुदाय में स्थिरता है कुछ बदलाव नहीं हो रहा है ट्रेडिशनली जो पारंपरिक उनकी जो मान्यता होती है उसी की वजह से कम्युनिटी है वो बढ़ नहीं रही आगे स्टेटिक रूप में है तो ये सभी मान करके कुछ गोल बनाए जाते हैं जो कि ऊपर मानसन है सो बेसिक बेसिक चेंज स्ट्रैटी क्या, क्या क्या कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज की जाती है जैसे कि कंसेंसिस कंसेंसिस का मतलब होता है आपका आम सहमति विचार बनाना ये सभी और कम्युनिकेशन मतलब संचार के माध्यम से लोगों से बातचीत करके समझ के और ग्रुप डिस्कशन मतलब होता है एक समूह के रूप में चर्चा करना बात करना उसके माध्यम से सॉल्व करना सो प्र so, यहाँ पर जो सोशल वर्कर होंगे वो कैसे काम करेंगे एज ए एनेबलर कोऑर्डिनेटर प्रॉब्लम सॉल्वर और यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लेते हैं इस इस मॉडल का तो जैसे कि कम्युनिटी सेंटर बनाना एंड होम सिटीजन सब्सिडी प्रोवाइड कराना तो यहाँ पर लोग आपस में मिलजुल के ये इस प्रकार की समस्या को सुलझा सकते हैं कम्युनिटी में तो ये पहला मॉडल था इसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल लोकैलिटी रोल बोला दूसरा है सोशल एक्शन मॉडल सो उसको देखते हैं सोशल एक्शन मॉडल में क्या है इसका जो गोल होता है कि जो पावर है और जो रिसोर्सेस हैं उसको शिफ्ट करना है जो संसाधन होते हैं समाज सोसाइटी के और जो लक्ष्य होता है जो बेसिकली शक्ति होती है पावर होता है उसको शिफ्ट करना सो इसमें जमसन मान के चले तो क्या क्या मान्य होती है कि इसमें जो पॉपुलेशन है वो डिसएडवाटेज मतलब वंचित है उनके पास अधिकार नहीं है सोशियो सोच गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सोशल इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ में सामाजिक अन्याय हो रहा है या फिर डेपरीवेशन और इनक्वलिटी मतलब अन्याय उनके साथ हो रहा है ऐसे भी चीज़ें इसकी वजह से ये मान के चला चला जाता है और फिर उसके बाद गोल सेट किए जाते हैं सोशल एक्शन मॉडल में सो बेसिक चेंज स्ट्रेटजी इसमें क्या है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एनिमी टारगेट जो भी टारगेट है जो भी कुछ करना है अगर कुछ बदलाव करना है तो जैसे कि इस एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो नक्सलाइट एरिया होते हैं वहाँ पर लोग नक, नक्सलाइट बन जाते हैं और उनके द्वारा कुछ जो सोशल नॉर्म्स होती हैं उनके खिलाफ में काम किए जाते हैं ताकि उससे क्या होता है वो लोग अटेंशन में आते हैं सरकार के तो सरकार कुछ बदलाव करती है जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट छत्तीसगढ़ में या नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो नक्सलाइट ग्रुप हैं तो ऐसा नहीं है उनकी कुछ ना कुछ समस्याएँ होती हैं तभी वो ये सब कदम उठाते हैं ताकि वो सरकार की नज़र में आए और सरकार कुछ बदलाव करे उनके लिए काम करे तो ये उसी को बोला जाता है सोशल एक्शन कुछ एक्शन ले करके क्योंकि उनकी समस्याएँ क्या है कि वो उनके अगेंस्ट में कोई सोशल इन्जस्टिस हुआ है या डिप्रेवेशन है या डिसएडवाटेज पॉपुलेशन है तो ये सभी ये की वजह से ये सोशल एक्शन मॉडल यूज किया जाता है सो तो इसमें जो कौन कौन सी टेक्निक टैक्टिक्स यूज की जाती हैं कन्फ्लिक्ट करके कॉन्टेस्ट करके या कन्फ्रंटेशन ये सभी के माध्यम से संघर्ष करना आप आमना सामना करना डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से और फिर नेगोशिएशन के, के माध्यम से मोल भाव करके जैसे कि देख सकते हैं कि सोशल एक्शन इज़ द नेक्सलाइट मूवमेंट नैक्सलाइट टुक लॉ इन देयर हैंड्स एंड स्टार्टेड पनिशिंग द फ्यूडल ऑपरेशन उनके अगेंस्ट में जो भी ऑपरेशन uh, जो होते हैं उनके अगेंस्ट में जो ऑपरेशन हुआ होता है उसको ख़त्म करने के लिए वो एक एक लॉ अपने हाथ में ले, ले लेते हैं और इस इस एक्शन को करते हैं ताकि जो नेशन नेशनल जो अटेंशन है उनकी समस्या पर पहुंच सके ताकि उनके जो जो भी बदलाव हैं जो डिफरेंट जो सेवरल रिफॉर्म्स होते हैं जो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं अब देखते हैं सोशल प्लानिंग मॉडल सोशल प्लानिंग मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं सोशल प्लानिंग मॉडल इन्वॉल्व कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर इन दॉलेब्रेशन टू एड्रेस द क्रिटिकल सोशल इशू फेसिंग द कम्युनिटी कम्युनिटी में जो भी सोशल इशू जो कम्युनिटी फेस कर रही है उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पर सरकारें और जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है आपस में कोलाब्रेट करती हैं वर्क करती हैं साथ में और फिर उसके माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो इसको सोशल प्लानिंग मॉडल बोला जाता है सो गोल कैटेगरी प्रॉब्लम सॉल्विंग विद रिगार्ड टू दि सब्सटेंशियल कम्युनिटी प्रॉब्लम्स जो भी कम्युनिटी की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए और ऐसा माना जाता है कि जो सोशल प्रॉब्लम है एड्रेस उनको फॉर्मल तरीके से एड्रेस किया जा सकता है सो बेसिक चेंज स्टार्टे क्या है इसमें डेटा को कलेक्ट करना प्रॉब्लम क्या है उसको फाइंड करना डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज करते हुए उसमें बदलाव करना कंसेंसिस कन्फ्लिक्ट के माध्यम से और इसमें जो प्रैक्टिस होता है सोशल वर्कर होता है वो काम करता है एज ए फैक्ट फाइंडर एनलिस्ट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटल तो ये कुछ महत्वपूर्ण तीन मॉडल थे अभी आप देखेंगे सोल की की कन्फ्लिक्टसन मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको अंडस्टैंड करेंगे एक ऐसा एक मॉडल जो कि आधारित है कन्फ्लिक्ट पर कि अगर कुछ बदलाव करना है कम्युनिटी में तो कन्फ्लिक्ट के माध्यम से कन्फ्रंटेशन के माध्यम से कंट्रोवर्सी के माध्यम से एज एस सॉल एस्के के द्वारा बताया गया था तो सो so, इनका जो एक्सपीरियंस रहा है जो अनुभव रहा है इनका इज बेस्ड ऑन दी शिकागो वहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड इट अलाउ द टैकलिंग ऑफ इस ग्रास रूट लेवल वाई अवॉइडिंग मच ऑफ द दैट लीड टू लॉजिकल डिटेंशन बाय द मिलिट्री सो आइडोलॉजल ब्रांडिंग करने के बजाय आप डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल पर वर्क करें बाय द कंफ्लिक बाय द कन्फ्रंटेशन और अवॉइड द आइडोलॉजिकल ब्रांडिंग तो ईजिली आप जो आपका जो एम है जो आपका गोल है उसको अचीव कर सकते हैं सोसाइटी में तो ये इनका देखते हैं इन्होंने क्या बोला था द फर्स्ट रूल ऑफ चेंज इज़ कंट्रोवर्सी अगर आपको बदलाव करना है बदलाव चाहिए तो पहला जो रूल है इसका वो है कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कीजिए सो यू कांट गेट अवे फ्रॉम इट इससे आप दूर नहीं जा सकते द सिंपल रीजन इसका रीज़न बताया इन्होंने फॉर दिस इज द बिकॉज ऑल द इशू आर कंट्रोवर्शियल उन्होंने बताया कि सभी जो इशू हैं जितने भी सोसाइटी में इशू हैं सभी अपने आप कंट्रोवर्शियल हैं चेंज मीन्स मूवमेंट और इन्होंने बताया कि बदलाव का मतलब होता है मूवमेंट एंड द मूवमेंट मीन्स फ्रिक्शन मूवमेंट का मतलब होता है फ्रिक्शन घर्षण एंड फ्रिक्शन मीन्स हीट और फ्रिक्शन से हीट डेवलप होती है एंड द हीट मीन्स कंट्रोवर्सी हीट और हीट का मतलब होता है कंट्रोवर्सी तो सिंपल मतलब अगर बात करें इन्होंने ये कहा है कि समाज सोसाइटी में कुछ बदलाव करना है तो आप डायरेक्टली बदलाव नहीं कर सकते ईजिली आपको कंट्रोवर्सी करनी होगी उस कंट्रोवर्सी करने से डिफरेंट तरीके से आप इंगेज होंगे सोसाइटी में इश्यू को लेकर के तभी ये चीज़ें जो हैं जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती हैं थ्रो तो दी कंफ्लिक्ट थ्रो तो दी कन्फ्रंटेशन थ्रो दी कंट्रोवर्सी तो ये सोल्व एंडस का मॉडल था जो कि बेस्ट था किस पर कंट्रोवर्सी पर कंफ्लिक्ट इसके क्या क्या फीचर हैं द यूज ऑफ कंट्रोवर्सी टू एजिटेट एक्शन फॉर द चेंजेस बदलाव करने के लिए एजिटेट uh, एक्शन के लिए कंट्रोवर्सी करना उसका यूज़ करना मास मोबिलाइजेशन करना ज़्यादा लोगों के साथ में बड़े पैमाने पर लोगों को संख्या में बढ़ाना टू टू द मोस्ट नंबर ऑफ़ द पीपल पॉसिबल जितना हो सके उतना ज़्यादा लोग जितने ज़्यादा लोग होंगे उससे और ज़्यादा बेनिफिट होगा पावर बोल सकते हैं कि पावर बढ़ती है और इसके बाद नेगोशिएशन विद द कंफ्लिक्ट कंफ्रंटेशन एंड द इशू टू इशू टू यूज अप्रोचेज डिफरेंट अप्रोच का यूज़ करना टू द माइक्रो इशूज़ एंड डेवलपिंग ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर द पीपल पावर एंड द प्रेसर टैक्टिक्स एंड प्रेसर पैक्ड ट्रेनिंग इन सभी के माध्यम से आपको बदलाव की जरूरत होती है बदलाव करना होता है तो ये इनका काफ़ी कन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्शियल मतलब कंट्रोवर्शियल बेस्ट मॉडल था मॉडल है और आगे देखते हैं कम्यूटी बिल्डिंग मॉडल

डिफरेंट पॉलिसी प्रैक्टिस के माध्यम से डिफरेंट एक्टिविटी के माध्यम से सपोर्ट करेंगे फॉस्टर करेंगे सो so, ये कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल है बेसिकली सो कम्युनिटी बिल्डिंग फोकस ऑन दी स्ट्रेंथिंग दी सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ कम्युनिटी कम्युनिटी की जो सामाजिक और जो आर्थिक फैब्रिक है उसको मजबूत करना कम्युनिटी बिल्डिंग का काम होता है इसका मेन फोकस होता है इसको स्ट्रेंथन करना बाई कम्युनिकेटिंग दैम टू द आउटसाइड रिसोर्सेज डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से सो द गोल ऑफ दिस इज़ टू बिल्ड द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी कम्युनिटी के अंदर जो इंटरनल कैपेसिटी है उसको उसको बढ़ाना उसको बिल्ड करना उसको डेवलप करना उसके माध्यम से फोकस करना डिफरेंट रेंज ऑफ कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स को उनको स्ट्रेंथन करना टू डेवलप हाई क्वालिटी एंड टेक्निकल सपोर्ट कंप्रेंसिव प्लान्स अब नेक्स्ट है इन्हीं के द्वारा दिया गया जो नेक्स्ट है बीमन सेंटर क्या फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मॉडल सो एलिमेंट ऑफ बोथ लोकेलिटी डेवलपमेंट एंड सोशल एक्शन मॉडल ऑफ इंक्लूटिव इन दिस मॉडल इसमें भी दोनों के दोनों जो मॉडल दिए थे लोकेलिटी डेवलपमेंट का और सोशल एक्शन मॉडल दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं सो द लोकेलिटी डेवलपमेंट एस्पेक्ट मॉडल आर इन कैंपेज इन फैमिलिस्ट कॉन्सेप्ट लाइक कैरिंग केयरिंग नर्चरिंग डोमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से इंक्लूजनेस और रिस्पेक्ट का सम्मान स्किल डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन ये सभी के माध्यम से बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो फेमिलिस्ट मॉडल है वो लोकेलिटी डेवलपमेंट और सोशल एक्शन मॉडल ही आधारित है ज़्यादा उसमें कुछ अलग बदलाव नहीं है सो तो आप देख सकते हैं इसमें द सोशल एक्शन एस्पेक्ट ऑफ मॉडल इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ द मॉडल इंक्लूड आ डिज़ायर फॉर द फंडामेंटल कल्चर पॉलिटिकल चेंज इन दी पेट्रियारिकल सिस्टम जिस प्रकार से हमारे समाज जो एक पेट्रियारिकल सिस्टम है उसमें बदलाव करना उसके पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव करना कल्चरल रूप से बदलाव करना जो फंडामेंटल कल्चर और पॉलिटिकल चेंजेस में बदलाव करना ये इस मॉडल का मेन उद्देश्य होता है सोशल एक्शन के माध्यम से

नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल सो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं इसको बोलते हैं मानव पूंजी बोल सकते हैं सो so, यहाँ पर एक एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है इसको समझना आप अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग सोशल कैपिटल सो वहाँ पर पूरे सोसाइटी की बात की जाएगी यहाँ पर ह्यूमन मतलब यहाँ इंडिविजुअल की बात की जा रही मतलब है की की जा रही। जो आइडिया है बेसिकली ये एडम स्मिथ के द्वारा अठारहवीं सेंचुरी में ये लाया गया था औरजिनल आइडिया इन्हीं का था और बाद में गैरी बेकर के द्वारा इस मॉडर्न थ्योरी को बाद में पॉपुलाइज किया गया और जो ह्यूमन कैपिटल है बेसिकली इट इज़ द मेजर ऑफ की स्किल्स स्किल्स एजुकेशन कैपेसिटी, एट्रीब्यूट्स ऑफ लेबर विथ इन्फ्लुएंस देयर तो ये सभी चीज़ें होती है जैसे देख सकते हैं नॉलेज की एबिलिटी स्किल्स एजुकेशन शिक्षा एक्सपीरियंस जजमेंट विजडम क्रिएटिविटी ये सभी चीज़ें मिलकर के ह्यूमन कैपिटल बनाती है तो क्यों इसका से बेनिफिट क्या होता है इसमें बेसिकलीट दैट इन्फ्लुएंस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी इन्हेंस पोटेंशियल पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए ये ह्यूमन कैपिटल का यूज़ किया जाता है सो यू कैन मेजर थ्रू दिस ह्यूमन कैपिटल इज़ ए यूनिक एंड दी डिफरेंट फ्राम अदर कैपिटल अदर कैपिटल जैसे कि मैं आगे बताया सोशल कैपिटल है या डिफरेंट है उससे ये अलग है सो इट इज़ नीड नीडिड फॉर दी कंपनीज जो डिफरेंट कंपनी होती है उनके द्वारा ये यूज़ की जाती है या बोल सकते हैं जो कम्युनिटी uh, ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके द्वारा ह्यूमन कैपिटल का यूज़ किया जाता है ताकि उनके जो गोल है जो डेवलपमेंट और जो जो इनोवेशन है उनको यूज़ करते हुए उनके जो गोल है उनको पूरा अचीव कर सके सो so, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि डिमांड करते हैं ह्यूमन कैपिटल जैसे कि भी पता है आपको ऊपर स्किल्स क्वालिफिकेशन कौशल योग्यता शिक्षा का स्तर कैसा है एजुकेशन लेवल बल्कि एक्सपीरियंस कैसा है कार्य अनुभव क्या है और सोशल स्किल्स कम्युनिकेशन यहाँ पर कॉम अप कर दीजिए सामाजिक कौशल या संचार ये इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस और जजमेंट किस प्रकार से आप जजमेंट करते हैं जो आपकी भावनात्मक बुद्धि है इमोशनल इंटेलिजेंस है पर्सनालिटी हार्ड वर्किंग हारमोनियस इन द ऑफिस ये सभी चीज़ें बेसिकली जो उसको करती हैं इसको डिटरमाइन करती हैं जो फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं क्रिएटिविटी हैबिट्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स ये सभी के सभी लक्षण जो होते हैं व्यक्तिगत लक्षण नेक्स्ट है सोशल कैपिटल सो सोशल कैपिटल क्या है इसमें बेसिकली द सोशल कैपिटल इज़ अ सेट ऑफ शेयर वैल्यूज़ दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर यहाँ पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स साथ में वर्क करते हैं एक ग्रुप में वर्क करते हैं इफेक्टिव तरीके से ताकि उनके जो कॉमन पर्पज है द कॉमन पर्सन कैन बी अचीव थ्रू दी दे आर वर्किंग टूगेदर सो दिस द कॉमन वैल्यूज एंड है आइडिया ऑफ द जनरली यूज टू डिस्क्राइब हाउ मेम्बर्स बैंड टुगेदर साथ में कैसे एक जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ में सोसाइटी में और कैसे वो हारमोन अच्छे तरीके से साथ में रहेंगे तो ये सोशल कैपिटल होता है सोशल कैपिटल में देखेंगे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड नेटवर्क उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है डाइवर्सिटी किस प्रकार की है वैल्यूज उनके नॉर्म्स उनके आउटलुक्स ऑफ लाइफ सिटीजन पावर प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी ये सभी चीज़ें पार्टिसिपेशन लोगों का एक दूसरे के साथ रेसिप्रोसिटी लेन देन आदान प्रदान फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड सेफ्टी ये सभी चीज़ें बनाती है मिलकर के सोशल कैपिटल आई होप आपके समझ में आ गया होगा तो ये था इस वीडियो में आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच